हेलो दगड़ियो स्वागत छूँ आप सभी लोग नक मेरी यूट्यूब चैनल में आशा करूँ आप सभी लोग बढ़िया होनाला मतलब बढ़िया छूँ तो आज जो मेरे व्लॉग बढ़ना हो या स्कूल नहीं जाना बाद जो आप दोस्त ने लीजिए कि दोस्त ने सब किताब मांगनी ई बार में जो तो आजकल टाइम में क्यों नहीं है दोस्तों तो जैसी मेरी बहन छो मेरी जो बहन है वो कल स्कूल नहीं गई थी तो उसने आज मतलब कल स्कूल नहीं गई थी तो शाम को उसने अपनी एक दोस्त से मैसेज किया कॉल किया उसने कि यार मेरे को मैं स्कूल नहीं आई तो आज जो स्कूल में काम करा रखा है उसे व्हाट्सअप कर दे तो दगड़ियो हमारे टाइम में क्यों ची नहीं है तो जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो होता नहीं था स्कूल तो तो नहीं जाने के लिए हम कैसे कैसे बहाने बनाते थे तो जिस दिन हम को नहीं जाना होता था, एक रात पहले से ही हम अपने मम्मी के सामने मम्मी आज अच्छा नहीं लग रहा है फिर रात को भी सोच लेते थे आज सुबह उठने से पहले मरियल जैसा मुंह बनाए रखेंगे तो सुबह उठते उठते मम्मी आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है ठीक है गाइज फिर उसके बाद फिर मम्मी के सामने जब तक स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं चले जाते थे और जो हमारे भाई बहन होते थे तब तक मम्मी के सामने मम्मी हाँ दर्द हो रही मम्मी पेट में दर्द हो रही मम्मी सर दर्द हो रहा गाइस ये बहाने तो हर किसी ने बना रखे मेरे को पूरा भरोसा है और उसके बाद ना गाइस मुझे पता है आप लोग भी ऐसी थे तो जब बाकी बच्चे लोग चले जाते थे तब तक ऐसे ही बनाए रहना हुआ फिर तो उसके बाद थोड़ा मम्मी के साथ काम वाम किया गाइस फिर उसके बाद अः जब थोड़ी देर बाद मम्मी के साथ जब काम करेंगे उसके बाद मम्मी हमें सुनाती थी, थी कि ले तक तो तेरे पेट में दर्द दर है खौर है रेस। अब क्यों ना तो कहे तो ऐसा तो ऐसा आपने भी सुना ही होगा सबकी मम्मी का यही बहाना होता था फिर उसके बाद चलो कैसे तैसे दिन काट लिया। फिर उसके बाद शाम को स्कूल स्कूल के अपनी वाली के हाँ, दोस्त जो होती थी उसके घर जाना पड़ता था मम्मी से कहने था मम्मी बस अभी पांच मिनट में आ जाएंगे पर वहा हमें पता है भाई पांच मिनट में काम नहीं बनता है फिर स्कूल की गप भी तो माननी है स्कूल में हुआ क्या उस लड़की ने क्या किया था उसका होमवर्क कौन मार्क है किसने क्या किया

कि जिसकी काम की वजह से हम घर रुके हैं जिस सर के या मैम के उसमें हमने काम पूरा नहीं किया हम घर रुके वो स्कूल आई नहीं थी तो उसमें बड़ा मलाल रहता था उस दिन कि यार स्कूल नहीं जाके आज गलती कर दी दिन भी वेस्ट गया और काम भी इतना पूरा हो गया पर चलो फिर भी स्कूल की कॉपी अभी मांगी फिर रात भर लिखने में बैठे रहे हाँ और उस दिन ऐसा लगता था कि पूरे आज तो पूरा ही काम करा इतना लिखवा दिया कि इतना तो किसी ने लिखाते ही नहीं थे फिर चलो रात भर स्कूल किया फिर कुछ बच जाता था फिर और दिन तो सात बजे उठते थे और वो छूटे हुए काम करने

तो गाइस देख रहे हो कितना वक्त बदल रहा है हमारे टाइम पे इतने पापड़ बेलने पड़ते थे इनके टाइम में सब हो जा रहा है ये काम ऐसी ही हो जाता है दिन प्रतिदिन एक दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं तब भी पूछ रहे हैं और जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस दिन तो पूछना ही पड़ रहा है तो गाइस मुझे पता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि यार मज़ा आता था ना यार दोस्तों के घर जाना है एक आध घंटे बैठे रहना है वहाँ पे गप माननी है स्कूल की बातें करनी है फिर दो तीन चुगलियाँ भी करते थे ज़रूर करते होंगे गाइज मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोगों पर या हर किसी के टाइम पर ये पे ये जो है दौर आया है तो उसके बाद ये हर ये दोस्ती ही कुछ अलग होती थी गाइज वो टाइम ही कुछ अलग था वो दोस्ती ही कुछ अलग थी आजकल के टाइम पे वो ऐसा कुछ भी नहीं है यार इतने सारे दोस्त बन चुके हैं वह काम के कोई नहीं होते हैं बस व्हाट्सअप खोलो फेसबुक खोलो इंस्टा खोलो दोस्तों में दोस्त है हजारों दोस्त हैं फिर काम के कोई नहीं ठहरे गाइज वो कोई नहीं ठहरे वो दोस्त तो ऐसा ठहरा चल होमवर्क उसका नहीं भी किया वो थोड़ा मार खा लेगा या हमें मार खिला देगा पर आजकल का समय ऐसा नहीं है तो गाइज अगर आप ये मेरी वीडियो से आपको लगता है कि ऐसा है एक्चुअल में है आज कल के टाइम में तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू